आज राइस के पेस्ट से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट इज येलो स्टेम बोरर। ठीक है, ये एक मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस मीन्स ये पर्टिकुलरली सिर्फ राइस पे ही फीड करेगा। राइस अगर नहीं मिला तो वो और किसी प्लांट पे फीड नहीं करता। तो ऐसे पेस्ट को जो एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही फीड करते हैं, हम मोनोफेगस पेस्ट कहते हैं। ठीक है, सो येलो स्टेम बोरर डेट इज सिर्पोफेगा इन सर्टुलस इज मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस। ठीक है, इसकी फैमिली है पायरेलिडी और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। तो अगर हम इस पेस्ट को देखें तो ये पेस्ट हमें मेनली जो राइस की टिलरिंग और टिलरिंग की स्टेज और एक पेनिकल इनिशिएशन की स्टेज, ठीक है, तो इन स्टेजेस में ये पेस्ट हमें दिखाई देता है। और ये जो मौत है वो जनरली हमें प्लांट के टिप पर, हमें ऐसे जो लीफ टिप है उस पर ऐसे बैठी दिखाई देती है नॉर्मली, जब राइस की टिलरिंग या पेनिकल इनिशिएशन की स्टेज होती है। तो ऐसे राइस की लीफ के टिप पर हमें कुछ ऐसी जगह पे ये मौत बैठी दिखाई देगी फॉर द पर्पस ऑफ एग लेइंग। ठीक है, तो ये मौत जो है वो बैचेस में एग ले करती है। ठीक है, ग्रुप्स में एग ले करती है, जिससे ये अपने एनल मौत के एनल रीजन पे एक टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट रहता है, एक बंच में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे क्या करती है वो एग ले करने के बाद उस हेयर से एग्स को कवर कर देती है। ये एग जब एग हैच होते हैं तो उसके बाद जो लार्वी है वो स्कैटर हो जाते हैं, मतलब आजू बाजू के प्लांट्स में फैल जाते हैं। ठीक है, एक और वो क्या करते हैं, पहले ये जब लीफ से नीचे उतरने के लिए स्ट्रिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू नीचे उतरते हैं और नियर बाय प्लांट्स में सब फैल जाते हैं। और ये जाके जो स्टेम का बेस रीजन है राइस की, ठीक है, जो अगर ये एक राइस की लीफ है, ठीक है, और जो टिलर्स वगैरह जो होते हैं, तो जो उसका जो बेसल पोर्शन है वहां पे एक होल बना के लार्वी टिलर के अंदर घुस जाती है। उसके बाद ये उसको नीचे से कट कर देती है इस टिलर को, और यहाँ पे जो जहाँ से एक टिलर जॉइंट होता प्लांट से वहां पे ये फीड करते रहती है। क्योंकि ये कट कर देती है तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्लांट के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको, और वो क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, तो टिलरिंग स्टेज में जो ये जो टिलर जैसे सूखे हुए हमें दिखते हैं उसे हम डेड हार्ट कहते हैं। ठीक है, और इन टिलर्स में ही आगे जाके पेनिकल्स निकलते हैं, पर क्योंकि अब ये टिलर्स डेड हो चुका है तो क्या होता है उसमें आगे पेनिकल्स वगैरह नहीं, बालियां जो है वो नहीं बनती, और वो हमें इस तरीके से उसमें जो टिलरिंग स्टेज है उसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम वैसे ही इसका डैमेज होता है कब, पेनिकल इनिशिएशन वाली स्टेज में। तो जो पेनिकल इनिशिएशन वाली स्टेज होती है तो पेनिकल्स जब सिर्फ निकले होते हैं, ठीक है, अभी इसमें दाने बने नहीं है, सिर्फ जो पेनिकल्स है जो ईयर हेड होता है राइस का वो अब सिर्फ निकला होता है। ठीक है, तो इस स्टेज में भी सिमिलरली जो है मौत एग ले करती है, और जो लार्वी है वो जाके बेसल पोर्शन में जो भी टिलर्स है, जिस टिलर्स सपोज ये एक टिलर है जिससे क्या हो रहा है पेनिकल इनिशिएशन हो रहा तो गूगल पे 30 बाइक म्यूट कर दीजिए। क्या बोलता इसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। गोविंदा तो जो ये पेनिकल जो न्यू न्यू पेनिकल्स फॉर्म हुए हैं कोई पर्टिकुलर टिलर से, जो पेनिकल इनिशिएशन हुआ है उसमें जाके ये नीचे बोर करके लार्वी अंदर फीड करने लगती है, क्योंकि यहाँ से भी ये कट कर देती हैं तो ये क्या हो जाता है ऊपर का पेनिकल सूख जाता है, और इसमें जो ग्रेन में फिलिंग होनी थी, ठीक है, दाने बनने के लिए जो फिलिंग के प्रोसेस होनी थी मिल्किंग स्टेज में, तो वो ग्रेन्स फिल नहीं हो पाते और वो खाली रह जाते हैं। तो ऐसे शाफी हमें ईयर हेड दिखाई देता है, ठीक है, जो जिसमें जो ग्रेन्स है वो डेवलप नहीं हो पाता, तो इसे हम व्हाइट ईयर कहते हैं, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है और खाली रहता है तो ये हमें दूर से व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। और अगर आप फील्ड में देखेंगे तो जब ग्रेन फिलिंग हो जाएगी तो बाकी की, क्योंकि ईयर में ग्रेन फिलिंग हो जाएगी तो वो थोड़ा हेवी हो जाएंगे तो वो हल्के से झुक जाएंगे, पर ये हमेशा एकदम इरेक्ट खड़ा दिखेगा हमें, तो ये हमें दूर से ही बहुत इजिली स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, जो व्हाइट ईयर है, तो ये दो स्टेज में मेनली इसका डैमेज होता है। तो आपको ये याद रखना है जो इन टर्म्स है, डेड हार्ट और वाइट ईयर। ठीक है,
ये दो डैमेज सिम्टम है इसके येलो स्टेम बोरर के, ठीक है। तो यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं जो लार्वी है वो इस तरीके से जो टिलर्स या फिर पेनिकल के अंदर बेसल पोर्शन में रह के फीड करती है, और जो एडवर्स कंडीशन होती है उसमें भी लार्वल स्टेज ही है जो डायपॉज में जाता है, और जो लार्वी है वो प्यूपेशन भी यहीं पे ही अंदर पे स्टेम के अंदर प्यूपेट करती है। तो अगर हम इसके मैनेजमेंट में देखें तो इसका इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो इसके बिहेवियर ओरिएंटेड अगर देखा जाए कि अगर जैसे मौत क्या है वो लार्वी के सॉरी लीव्स के टिप पे एग लेइंग करती है, तो जनरली क्या किया जाता है जब नर्सरी स्टेज में क्रॉप रहती है और उसको ट्रांसप्लांटिंग के लिए जब ट्रांसप्लांट कर रहे थे मेन फील्ड पे तो उसके टिप्स को कट कर दिया जाता है ताकि जो मौत है वो एग ले ना कर सके, और अगर एग ले हो चुके होते हैं तो वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्लिपिंग ऑफ द टिप ऑफ सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। फिर ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम एक इम्पॉर्टेंट इसका एक पैरासिटॉइड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जो भी नेचुरल एनिमीज है, तो कुछ कुछ के जो पर्टिकुलर नेचुरल एनिमीज है वो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जो है पूछा जाता है कि जैसे एक पैरासिटॉइड कौन है, कुछ ऑप्शंस आपको दे देंगे इनमें से एक पैरासिटॉइड कौन है ये पूछा जा सकता है, फिर पर्टिकुलर अगर येलो स्टेम बोरर का एक पैरासिटॉइड कौन है तो ये पूछा जाए तो ये आपको पता होता है। इट इज यहाँ पे यू मिसिंग है, इट इज जैपोनिकम CUM, ओके। तो जो भी क्या बोलते हैं राइस स्टेम बोरर का एक पैरासिटॉइड इज ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ठीक है, तो इनको मास में मल्टीप्लाई करके फील्ड रिलीज किया जाता है इनके कंट्रोल के लिए, ताकि एक स्टेज में अगर हम मैक्सिमम एक को अगर किल कर दें तो आगे लार्वी ही रिलीज नहीं होगी तो हम काफी हद तक डैमेज रोक सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पेस्ट देखें तो इट इज राइस गॉल मिर्च, ओके, तो राइस गॉल मिर्च दैट इज ओसियोलिया ओराइजी जो कि सेसिडोमाइडी फैमिली को बिलोंग करती है ऑर्डर डिप्टेरा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट है जो राइस को जिसके जो डिप्टेरा को बिलोंग करता है जिसकी लार्वी क्या करती है वो भी नीचे स्टेम के अंदर टिलर्स के अंदर बेसल पार्ट में रह के फीड करती है, जिसके वजह से क्या होता है और ये एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करती है दैट इज सेसिडोमाइड, ओके, सेसिडोमाइडी, तो सेसिडोमाइजन एक केमिकल ये सिक्रीट करती है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं हुआ है इसके उसे इंक्लूड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो उससे क्या कारण क्या होता है जो लीफ है वो इस केमिकल के कारण एक गॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्यूबुलर गॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसे हम सिल्वर शूट कहते हैं या ऑनियन लाइक, क्योंकि ये ऑनियन लीफ की तरह दिखाई देता है इसलिए इसे ऑनियन लीफ भी कहा जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। ओके गुड मॉर्निंग मैम, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? क्रॉप पेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है? यस मैम। ओके कोई नहीं, हम क्रॉप पेस्ट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी जो हम पढ़ चुके हैं वो आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। ओके फिर अगर आप इसको देखें तो मैगट क्या होता है वो ग्रोइंग शूट के अंदर एंटर कर जाता है और नीचे से लीफ को कट करके उसके जो क्योंकि वो उसके अंदर फीड करता रहता है, ठीक है, जिसके एक वजह से उसकी फीडिंग के कारण गॉल प्रोड्यूस हो जाता है बेसल पोर्शन में, ठीक है, और पूरा जो टिलर है जिसमें वो बोर किया रहता है वो मॉडिफाई हो जाता है किसमें, एक सिल्वर शूट या ऑनियन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है दैट इज सेसिडोजन, ओके, तो इस केमिकल की वजह से यहाँ पे क्या होता है मतलब ये टिश्यूज जैसे डेवलप होने थे वैसे ना डेवलप होके मैलफॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि अलग टाइप स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो गॉल मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स अलग अलग टाइप के गॉल्स बनाते हैं, कुछ में आपको ऐसे सिलेंडर स्फेरिकल टाइप के गॉल्स दिखेंगे और उसके अंदर जो भी इंसेक्ट है वो रह के फीड कर रहा होगा, कुछ में आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल टाइप दिखेंगे। इसमें क्या रहता है जो टिलर्स रहता है वो नॉर्मल डेवलप ना होके
एक ऑनियन लीफ की तरह दिखाई देता है हमें, ठीक है। ट्यूबुलर गॉल ही रहता है, स्फेरिकल या सर्कुलर नहीं रहता है, एक ऑनियन लीफ लाइक। ऑनियन की आपने लीफ देखी होगी तो वो कैसे अंदर से हॉलो एक ट्यूब लाइक रहती है कुछ ऐसे ही, और वो पूरा गोल रहती है। राइस की लीफ या राइस का जो टिलर्स रहते हैं वो अंदर से पूरे से हॉलो टाइप नहीं रहते, राइट। बट अगर आप ऑनियन की लीफ देखें तो वो एक ट्यूबुलर हॉलो रहेगा अंदर से, यस मैम, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो इसका टिलर्स है वो वैसे ही मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर से हॉलो ऑनियन लीफ की तरह एग्जैक्टली। और ये थोड़ा जब सनरेज उसमें पड़ती है तो थोड़ा सिल्वरी अपियरेंस जैसे शाइन करता है, इसे सिल्वर शूट कहते हैं। और क्योंकि ऑनियन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए ऑनियन लीफ कहते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली पर्टिकुलर केमिकल जो वो सीक्रेट करता है उसके कारण हो जाता है, ठीक है। जब वो फीडिंग करता है तो ये केमिकल भी इंजेक्ट करता है प्लांट में, और ये इस तरीके से गॉल में मॉडिफाइड हो जाती है लीफ, फिर उसके अंदर रह के फीड करता रहता है। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज इम्पॉर्टेंट, दैट सिल्वर शूट एंड ऑनियन लीफ, ओके। डैमेज सिम्टम्स किससे कैसा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगर आप इसका मैनेजमेंट देखें तो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इसका पैरासिटॉइड, ठीक है। तो एक लार्वल पैरासिटॉइड है, दैट इज प्लैटिगैस्टर ओराइजी, जो कि पर्टिकुलरली गॉल मिर्च के ही मैनेजमेंट में यूज होता है, ठीक है। तो ये उसकी लार्वी को पैरासिटाइज करता है, उसमें मल्टीप्लाई करता है, ओके। तो बाकी और कुछ पॉइंट्स हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे नाइट्रोजन का पर्टिकुलर डोज अप्लाई करके, मतलब नाइट्रोजन एक्सेस डालने से प्लांट क्या सक्युलेंट हो जाता है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं कोई भी पेस्ट के अटैक के लिए। तो प्रॉपर रिकमेंडेड डोज ही डालें और टाइमली प्लांटिंग करें। इसके अलावा जो आसपास अल्टरनेट होस्ट हैं इस पर्टिकुलर पेस्ट के, उसको भी क्लीन कल्टिवेशन कर ले, उसको रिमूव कर दे। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बट आपको याद रखना है प्लैटिगैस्टर ओराइजी, ओके। नेक्स्ट पेस्ट इज ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। सारे जनरली राइस में अगर आप देखें तो तीन हॉपर्स का अटैक होता है, ठीक है। एक तो है GLH, दैट इज ग्रीन लीफ हॉपर। नेक्स्ट इज BPH, ठीक है, जो कि दिस इज ब्राउन प्लांट हॉपर। एंड WBPH, दैट इज वाइट बैक प्लांट हॉपर, ठीक है। तो ये तीनों का ऑलमोस्ट सबसे पहले GLH का अटैक होता है, जो हमें नॉर्मली अगस्त सितंबर के अराउंड देखने को मिल जाता है, सितंबर अक्टूबर के अराउंड। फिर उसके बाद फॉलो करता है BPH और WBPH भी साथ में इनका अटैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये तीनों केस नॉर्मली जो सकिंग के ये सब क्या है, ये हेमिप्टेरन पेस्ट है। ये क्या करते हैं, इनके माउथ पार्ट्स पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट से सेल्स आप सक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक साथ ग्रुप्स में बहुत सारा सेल्स आप सक करते हैं, तो प्लांट का न्यूट्रिशन क्योंकि ये पूरा ले रहे होते हैं, तो प्लांट क्या होता है धीरे धीरे सूख जाता है, ठीक है। और अगर नहीं भी सूखा तो क्या होता है, ग्रेन जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हॉपर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अगर इसका हम क्यूमुलेटिव, मतलब एक साथ इनका अगर हम डैमेज सिम्टम देखें, तो जनरली वो हमें हॉपर बर्न, अगर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन हुआ इन हॉपर्स का, तो हमें हॉपर बर्न के फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो प्लांट्स जल गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसा पैचेस में आपको ऐसा दिखेगा फील्ड में, कहीं कहीं एरिया के प्लांट पूरे ही ड्राई हो गए रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम हॉपर बर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, दैट इज ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला पर्वतालुजन्स। तो ये फैमिली डेल्फोसिडी को बिलोंग करता है, ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है। तो इस पेस्ट को अगर हम इसका बिहेवियर देखें, तो ये जनरली क्या होता है, जैसे अगर राइस की प्लांट है तो उसके जो बेसल पोर्शन है, सपोज ये राइस का प्लांट है, तो जो टिलर्स का जो बेसल वाला पोर्शन रहता है, ये जनरली जस्ट वाटर लेवल के ऊपर यहाँ पे फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक साथ ग्रुप्स में बहुत सारे जस्ट वाटर के ऊपर फीड करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप वाटर को रिमूव कर दें तो भी आप इनका इनका डैमेज को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
तो अगर हम इनका डैमेज देखें तो निम्फ और एडल क्या करते हैं, स्टेम्स के बेसल पार्ट में जस्ट वाटर लेवल के ऊपर बैठ के एक साथ ग्रुप में फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। हैवी इन्फेस्टेशन के केस में क्या हो जाता है, क्योंकि ये सेल सैप सक करते रहते हैं तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता प्लांट को, और ये पूरा ले लेते हैं तो ये प्लांट्स पूरा ड्राई हो जाता है, ठीक है, बहुत सीवियर इन्फेस्टेशन के केस में, जिसे हम इस सिम्टम को कहते हैं हॉपर्स बर्न, ठीक है। और पर्टिकुलरली जो ये हेमिप्टेरन पेस्ट है, इनमें एक और चीज रहती है कि ये कभी बहुत सारे जो हेमिप्टेरन पेस्ट है वो किसी पर्टिकुलर वायरसेस को एज अ उसके लिए एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर देखें तो ये ग्रासी स्टंट वायरस का वेक्टर है, ये इसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये भी इसलिए भी ये बहुत इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं हॉपर्स, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक डिजीज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम इनका मैनेजमेंट देखें तो इनका बिहेवियर को देखते हुए एक मैनेजमेंट पॉइंट है कि एक तो प्लांट्स को थोड़ा बहुत ज्यादा क्लोज स्पेसिंग में ना लगाएं, ठीक है, मतलब थोड़ा स्पेसिंग अप्रोप्रिएट हो, ताकि क्योंकि इनको एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो प्लांट्स के नीचे एक माइक्रो एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है थोड़ा ह्यूमिड सा, ये उसमें ये उनके लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो इसलिए क्या है, प्लांट की स्पेसिंग अप्रोप्रिएट हो ताकि सनलाइट नीचे तक जाए, या थोड़ा थोड़ा पैचेस में, मतलब एक पैच में लगाए फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़े फिर एक पैच में लगाए, उससे क्या होगा प्रॉपर थोड़ा सनलाइट नीचे तक जाएगी तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है ह्यूमिड नीचे वाटर लेवल और ऊपर प्लांट कैनोपी के कारण, वो थोड़ा सा ब्रेक होगा तो इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो नहीं रहेगी, ठीक है। तो इनका जो इन्फेस्टेशन है वह इनका डैमेज थोड़ा सा हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा क्लोजर स्पेसिंग अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द पैडी फील्ड, तो पैडी फील्ड को पैडी क्रॉप को एक स्टैंडिंग वाटर की जरूरत होती है, ठीक है, जब पर्टिकुलरली जब मिल्किंग स्टेज वगैरह रहता है, टिलरिंग स्टेज रहती है, तो ये पानी हमेशा फिल्ड रहता है, तो वो हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट है। बट ये फेवरेबल कंडीशन किस लिए पैदा कर रही है, हॉपर के लिए, बीपीएच के लिए, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। कुछ दिन पानी भरा है फिर निकाल दिए फिर फिल कर दिए, तो कुछ कुछ टाइम में पानी हटा, मतलब फील्ड को फील्ड जो वाटर लेवल है उसको खाली भी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो माइक्रो एनवायरनमेंट जो इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है वो थोड़ा ब्रेक होगा, ठीक है, जिससे कारण इन्फेस्टेशन का लेवल थोड़ा रिड्यूस होगा। फिर इसके अलावा ये जो मैं आपको बोली थी कि जैसे अगर आप प्लांट कर रहे हैं तो 2 meters तक क्रॉप को नॉर्मल स्पेसिंग वगैरह में लगाएं, फिर 25 centimeters का गैप बीच में छोड़ दें, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा गैप छोड़ दें, फिर से 2 meters में प्लांट को जो उसके नॉर्मल स्पेसिंग में उसमें लगाएं। तो ये जो आप थोड़ा थोड़ा जो गैप छोड़ेंगे इसके कारण भी क्या है, थोड़ा प्रॉपर सनलाइट वगैरह पेनिट्रेट होगा, जिससे इसके लिए जो एनवायरमेंट कम, हाँ, इसका इन्फेस्टेशन कम होगा। फिर लाइट ट्रैप, लाइट्स में, क्योंकि ये लाइट से फोटोट्रॉपिक टाइप नेचर शो करते हैं, तो लाइट के जो भी लाइट सोर्स है उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो लाइट ट्रैप्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेली उसमें बहुत सारे हॉपर्स कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक पर्टिकुलर पेस्ट है, दैट इज मेरिड बग, सिटोआनस लिविटिपेनिस, तो ये आपको याद रखना है जो इसका नेचुरल एनिमी है। तो ये क्या करता है, इसके एग्स पर फीड करता है और जो न्यूली हैच निम्स है उस पर फीड करता है, ठीक है। अगर हम बीपीएच देखें तो बीपीएच, जीएलएच और डब्ल्यूबीपीएच, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जनरली लीव्स के अंदर अपने एग्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो जैसे अगर आप यहाँ देखें तो लीव्स के अंदर एग्स को ये लोग इंसर्ट किए रहते हैं, ठीक है, तो बाहर से हमें एग्स दिखाई नहीं देते, ये लीव्स के अंदर रहते हैं। तो ये जो पैरासिट प्रीडेटर है, सॉरी, दिस इज प्रीडेटर, और ये प्रीडेटर क्या करता है, एग्स को और न्यूली हैच निम्स को फीड करता है, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल एनिमीज आप पढ़ेंगे, कोई एक जो भी पेस्ट से रिलेटेड, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि नेचुरल एनिमीज से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी ऐसे ही आते हैं, आपको पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर इंसेक्ट का नेचुरल एनिमी कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा जो एक स्पाइडर है,
लाइकोसा, सूडो एन्युलाटा, तो ये भी इसको इसको भी यूज किया जाता है एज अ नेचुरल एनिमी बीपीएच के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है दिस मेरिट बग क्रिप्टोआइनस लिविडिपेनिस। नेक्स्ट इज व्हाइट बैक प्लांट हॉपर, ठीक है। तो क्योंकि इसके बैक पोर्शन व्हाइटिश रहता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है व्हाइट बैक प्लांट हॉपर। तो साइंटिफिक नेम है सोगोटेला फर्सिफेरा, ठीक है। फिर फैमिली डेल्फासिडी, क्योंकि ये प्लांट हॉपर है, प्लांट हॉपर सारे किस में आते हैं, डेल्फासिडी में आते हैं, ओके। और जितने भी लीफ हॉपर होते हैं वो लीफ हॉपर किस में आते हैं, सिकाडेलिडी में। हेमिप्टेरा तो ऑर्डर है, सारे हॉपर्स हेमिप्टेरा में ही आते हैं, मतलब सारे जो सकिंग वाले हॉपर्स होते हैं वो हेमिप्टेरा में ही आते हैं। तो वेरी गुड, जो वो है लीफ हॉपर्स वो सिकाडेलिडी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लांट हॉपर है जो डेल्फासिडी, तो इसमें भी अगर हम देखें तो इनका भी जो एग्स है वो लीफ के अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है। और निम्स और डैमेजिंग जो भी डैमेज करने वाले स्टेजेस है वो निम्फ और एडल्ट दोनों होते हैं सारे हॉपर्स के केस में, ठीक है। फिर अगर इनको भी हम देखें तो जनरली ये हॉपर बर्न सिम्टम आपको सारे हॉपर्स के, क्योंकि ये जनरली एक पर्टिकुलर हॉपर नहीं पूरे के पूरे हॉपर कॉम्प्लेक्स के अटैक के कारण होता है, तो ये आपको तीनों हॉपर्स के सिम्टम में दिखाई देगा, ठीक है। तो इनके जो निम्स और एडल्ट होते हैं वो ज़्यादातर पर्टिकुलरली जो लीफ है लीफ पे और लीफ लीफ शीट्स पे फीड करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो ड्राइंग है वो लीफ टॉप से ड्राई होते हुए नीचे तक ड्राई हो जाता है प्लांट, ठीक है। और बाकी तो ये हॉपर बर्न सिम्टम कॉमन है ड्राइंग ऑफ यंग प्लांट एंड इन सीवियर इन्फेस्टेशन हॉपर बर्न सिम्टम इज ऑब्जर्व। तो ये जो सिम्टम है वो तीनों उसके लिए कॉमन है, तीनों हॉपर्स के लिए, ठीक है। और मैनेजमेंट भी बहुत हद तक तीनों के लिए कॉमन ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइस ग्रीन लीफ हॉपर, दैट इज नेफोथेटिक्स निग्रोपिक्टस एंड नेफोथेटिक्स वेलेसेंस, ठीक है। तो अगर आप दोनों हॉपर्स को देखें तो दोनों में डिफरेंस होता है इनकी मॉर्फोलॉजी में। अगर आप नेफोथेटिक्स निग्रोपिक्टस को देखें तो इनमें जो इन दोनों के ही बैक में स्पॉट रहेगा, पर निग्रोपिक्टस का स्पॉट जो है वो पूरा बेसल पोर्शन तक एक्सटेंड करता है, ओके। बट वेलेसेंस के कंडीशन में सिर्फ स्पॉट सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, वो पूरा एंड विंग्स के टिप तक कनेक्ट करता हुआ या एक्सटेंड करता हुआ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो दोनों के मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस रहता है जिससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नेफोथेटिक्स निग्रोपिक्टस और ये है नेफोथेटिक्स वेलेसेंस, ओके। फैमिली सिकाडेलिडी एंड ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो इनको भी अगर हम देखें तो एगलिंग सिमिलर एग लीफ जो लीव्स है उसके एपिडर्मिस के अंदर अपने एग्स इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर निम्स जो है और एडल्ट है ये साप सक करते हैं। और इनके कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये राइस चुंगरू वायरस डिजीज के वेक्टर हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसका जिसको कौन ट्रांसमिट कर रहा है, GLH। तो ये पूछा जाता है कि राइस चुंगरू वायरस डिजीज का वेक्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज GLS ग्रीन लीफ हॉपर। और सेकेंड चीज, जनरली इसका ETL है जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल जो रहता है जिसको क्रॉस करने के बाद अपन इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर देते हैं। मतलब इस लेवल तक अगर पेस्ट आ गया है, मींस इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल तक, मतलब कि अब इसको कंट्रोल करने का, मतलब केमिकल कंट्रोल यूज करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम है। तो इस कंडीशन में जैसे ही इस लेवल को पेस्ट पहुंच जाता है तो वन शुड गो फॉर केमिकल स्प्रे, ठीक है। तो ETL जो है जनरली ये नॉर्मल कंडीशन में 5-10 हॉपर अगर पर प्लांट है, ठीक है। तो जहां पे जो टुंगरू वायरस एंडेमिक एरिया है, मतलब जिस एरिया पे ये डिजीज
का इन्फेस्टेशन होता है उस एरिया पे इसका ETL चेंज होके 2 hoppers per plant हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस वायरस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हम ये वायरस को ज्यादा, मतलब अगर थोड़े से भी वायरस रहे तो वो क्या करेंगे, अगर एक भी डिजीज प्लांट है तो वो एक बार उस पर फीड करेंगे तो वो वायरस उनके बॉडी में चला जाएगा, फिर वो जस्ट दूसरे प्लांट को फीड करेंगे, तो इस तरीके से वो बहुत सारे प्लांट्स पे अपना जो वायरस है इसको इन्फेस्ट कर देंगे, इसको फैला देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक एज अ डिजीज का वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए वहाँ पे ऐसे एरिया में जहाँ के लिए डिजीज एंडेमिक है, जहाँ पे डिजीज बहुत ज्यादा आती है, तो उस एरिया में सिर्फ 2 hoppers per plant भी अगर हमें दिखते तो हमें केमिकल स्प्रे के लिए चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ETL लेवल आपको याद होना चाहिए कि जो टुबरू वायरस इन्फेस्टेड एरिया है उसमें जो ETL है GLH का वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सो नेक्स्ट फेस इज राइस केस वॉर्म, ओके। तो राइस केस वॉर्म दैट इज पैराफोनिक स्टैग्नालिस, और इसका एक और नाम आपको दिखेगा दैट इज निम्फुला, एक और एक नाम जनरली हमें दिखाई देता है दैट इज निम्फुला स्टैग्नालिस, नो स्टैग्नालिस नहीं है, एक सेकंड, निम्फुकेटेलिस, निम्फुला डिपिनकेटेलिस है ना मैम, हां डिपिनकेटेलिस है, करेक्ट, निम्फुला डिपिनकेटेलिस। तो ये भी एक नाम आपको कॉमनली बुक्स में दिखेगा, इट इज डिपिनकेटेलिस, ओके। तो ये एक पेस्ट है राइस का, जनरली ये माइनर पेस्ट में ही काउंट होता है, पर कभी कभी जब इन्फेस्टेशन सीवियर हो जाता है तब कहीं कभी कभी इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, जनरली ये सब माइनर पेस्ट में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो फैमिली स्पायरलिडी, ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो इसका एक पिक्यूलर बिहेवियर दिखता है, ये क्या करते हैं, ये इसकी लार्वी केसेस बना के उसके अंदर रहती हैं, तो ये क्या करते हैं, जो लीव्स लीव्स है उसको कट कर देते हैं, और इस जो कट बिट्स हैं उसके उसका एक केस डेवलप करते हैं थ्रू स्पिनिंग, वो सारे लीव्स बिट्स को एक साथ जोड़ के एक केस फॉर्म करते हैं जिसके अंदर लार्वी रहती है और प्लांट पे फीड कर रही होती है। तो प्लांट पे वो थ्रू स्क्रैपिंग, जो क्लोरोफिल स्क्रैप करके फीड कर रही होती है। तो अगर आप डैमेज देखेंगे तो आपको ऐसे एक तो लीव्स का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपको लीव्स में ऐसे कट ऊपर टॉप एजेस में कट्स दिखाई देंगे, लीफ बहुत एकदम ऐसे कट रहेगा जैसे उसे किसी ने सीजर से काटा हो, बहुत शार्प कटिंग दिखाई देगी, ठीक है। और ये कटिंग किसके लिए, केस बनाने के लिए जनरली हुई रहती है, वैसे दिखाई देगी। और फीडिंग करते वक्त जो आपको डैमेज दिखेगा तो आपको ऐसे लीव्स में वाइट पैचेस दिखेंगे जो कि लार्वी क्लोरोफिल को स्क्रैप करके फीड कर रही है, तो वो आपको इस तरीके से डैमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो आप प्लांट्स में आपको ऐसे लीव केसेस लटकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और ये प्यूपेट भी इन्हीं केसेस के अंदर करती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ डैमेज देखें तो लीफ केसेस हमको दिखाई देते हैं, राइस जो राइस लीफ है, ठीक है, और दे कट लीव्स बिट्स, और हमें लीफ बिट्स भी कटे हुए वाटर में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो लार्वी फीड बाय स्क्रैपिंग द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव ब्लेड, ठीक है, लिविंग द अपर एपिडर्मिस इंटैक्ट। तो क्योंकि वो क्लोरोफिल को स्क्रैप करके फीड करती है तो हमें सिर्फ एक पट ऊपर की जो लेयर है एपिडर्मल लेयर बस प्लांट की रह जाती है, जो कि एक पेपरी वाइट स्ट्रक्चर से दिखाई देती है, ठीक है। तो हमें वाइट पैचेस दिखाई देंगे लीफ ब्लेड्स में इनकी फीडिंग के कारण, ठीक है। इनके लिए एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो की जाती है इनके बिहेवियर को देखते हुए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक रोप लेके कोई भी 2 persons ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे ये राइस का रो है सपोज, तो कोई भी एक पर्सन यहाँ खड़ा होगा और एक पर्सन यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, एक रोप लेके दोनों एक एक एंड को पकड़ के प्लांट से पास करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी लीफ केसेस हैंग कर रहे होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं लोग फील्ड को ड्रेन कर देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं, पूरा पानी हटा देते हैं,
जिससे क्या होता है वो केसेस बह जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है जो जनरली इनका जो इन्फेस्टेशन लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पासिंग द रोप ओवर द क्रॉप हेल्प इन डिसलॉजिंग ऑफ केसेस, ठीक है, फिर फील्ड को ड्रेन कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इंसेक्ट कौन से स्टेज में होता है इस समय? लार्वल स्टेज, डैमेज लार्वल स्टेज करता है। ओके, एडल्ट्स जनरली मॉथ बटरफ्लाई केस में, हमारे मैक्सिमम केस में, मेजोरिटी केस में हम कहें तो लार्वा ही डैमेजिंग स्टेज है, ठीक है। जो लार्वी है जनरली एडल्ट्स या तो नेक्टर फीडिंग होते हैं या नॉन फीडिंग होते हैं, ठीक है। ये जनरली क्रॉप के एज अ पेस्ट नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन जैसे कि फ्रूट सकिंग मॉथ, सिर्फ उसमें ही एडल्ट डैमेजिंग स्टेज है। इन जनरली लैपिडोप्टेरा के केसेस में सिर्फ लार्वी ही डैमेज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? मैम इसका जो प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट बताया उसको एक बार और बताएं। इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं जो प्लांट्स है उसमें ऐसे केसेस लटकते रहते हैं, ठीक है। वो जो फीड करते रहते हैं तो वो क्या है, ऐसी जो केसेस में रह के हैंग करते हुए फीड कर रहे होते हैं प्लांट में, ठीक है। तो जो इसमें प्रैक्टिस ये है कि जो ऐसे सपोज यहाँ बहुत सारे रोज में प्लांट्स लगे हैं और यहाँ पे केसेस लटक रहे हैं सपोज, तो ये जो रोज होती हैं, ठीक है, प्लांट्स की बहुत सारी जो रोज लगी हैं, तो दोनों साइड एक एक पर्सन जो होते हैं, एक एक लोग एक रोप को एंड एंड को पकड़ के इसको प्लांट्स के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो रस्सी को ऐसे पूरा मूव करते हैं थ्रू प्लांट्स, तो इससे क्या होता है ये केसेस गिर जाते हैं कहाँ, पानी में। उसके बाद इन लोग ड्रेन कर देते हैं पानी को, फील्ड से बाहर ड्रेन आउट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है ये सारे जो है लार्वीज है वो बाहर ड्रेन आउट हो जाते हैं। समझ आए आपको? यस मैम। ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रैक्टिस है जो इस पर्टिकुलर पेस्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज राइस लीफ फोल्डर, ठीक है। राइस लीफ फोल्डर, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखें, दैट इज नेफेलोक्रोसिस मेडिनालिस, फैमिली इज पैरालिडी, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ठीक है। तो इसमें भी लार्वी ही डैमेजिंग स्टेज होगी। इसको अगर हम देखें तो ये लीफ फोल्डर, जैसे कि इसका नाम है, तो ये क्या करता है, लीफ को ऐसे फोल्ड करके उसके अंदर रह के जो लार्वी है वो प्लांट के जो क्लोरोफिल है उसको स्क्रैप करके फीड कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप फील्ड में डैमेज सिम्टम देखें तो आपको ऐसे वाइट पैचेस दिखाई देंगे क्रॉप में, तो क्योंकि वो क्या करते हैं सिर्फ पूरे क्लोरोफिल को फीड कर लेते हैं स्क्रैप करके, और सिर्फ एक पेपरी एपिडर्मस जो अपर लेयर है वही बस लीव कर देते हैं, वही बस छोड़ देते हैं, तो वो एक पेपरी लाइक वाइटिश का बस एरिया दिखता है हमें, और पूरा क्लोरोफिल ये फीड कर चुके होते हैं, ठीक है। तो जो है लार्वी क्या करती है, जो लार्वी फोल्ड लीव मार्जिनली, ठीक है, एंड फीड द फोल्ड एंड फीड द फोल्ड लीव बाय क्रैपिंग क्लोरोफिल। तो ये एक सिल्कन थ्रेड सिक्रीट करते हैं जिससे क्या करते हैं लीव्स के ऐसे एजेस को सिल देते हैं, मतलब जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइट लाइंस इन द लीव, तो आपको ऐसे वाइट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस दिखेंगे क्योंकि वो ऐसे फीड करते जाएगा, तो आपको ऐसे स्क्रैपिंग दिखाई देगी, ठीक है, जो कि बाद में वाइट टर्न हो जाती है, ठीक है, ड्राई होने के बाद, क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा प्लांट, प्लांट क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल ही वो फीड कर देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया तो जो भी ग्रेन्स का डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें लॉस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए कोई खास मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ऐसे कोई अपने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जनरली है आप जो भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक्सेस ऑफ पर्टिकुलरली इसका रेफरेंस नाइट्रोजन से रहता है क्योंकि एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन प्लांट को सकलेंट बना देता है, उसमें फिर पेस्ट इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हमेशा बैलेंस डोज डालना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये भी फोटोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, लाइक दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लाइट, इसलिए इनमें हम लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस क्लीन कल्टिवेशन।
नेक्स्ट अगर हम देखें डेट इज पैडी ईयर हेड बग या फिर गंदी बग, ठीक है, तो गंदी बग क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर स्मेली सब्सटेंस रिलीज करते हैं इसलिए इन्हें गंदी बग कहा जाता है, क्योंकि अगर इनका बहुत ज्यादा इंफेस्टेशन होता है कि इस फील्ड में, तो अगर आप उस फील्ड के साइड से क्रॉस करें तो आपको एक अलग सी स्मेल आएगी, ठीक है, या आप इन्हें पकड़ ले हाथ में या डिस्टर्ब करें तो भी आपके हाथ से अनप्लीजेंट सी स्मेल आएगी, इसलिए इन्हें गंदी बग कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज लेप्टोकोरिस अक्यूटा, ठीक है, और फैमिली इज LIDD, ठीक है, ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो अगर आप इन्हें देखें तो ये क्या करते हैं, ये इनका जनरली इन्फेस्टेशन मिल्किंग स्टेज में होता है, ठीक है, लाइस में जब मिल्किंग स्टेज, जब ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, ठीक है, जब पेनिकल्स में जो दाने बन रहे होते हैं, ठीक है, मिल्किंग स्टेज और ग्रेन फिलिंग स्टेज, तब इनका इन्फेस्टेशन होता है। ये क्या होता है, जैसे ये अगर एक सिंगल ग्रेन है और उसमें ये पंच अपना प्रोबोसिस पंचर करके जो उसमें ग्रेन में फिलिंग हो रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं लाइक अ स्ट्रॉ, अपना माउथ पार्ट यूज करके उसको पूरा सक कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिस पर्टिकुलर ग्रेन में ये अटैक किए रहते हैं वो ग्रेन भरता नहीं है, वो ग्रेन खाली रह जाता है, ठीक है, तो वो शाफी रह जाता है। तो हमें एक पेनिकल अगर हम देखें तो उस पेनिकल में कुछ ग्रेन्स फिल्ड रहेंगे, कुछ ग्रेन्स कैसे रहेंगे, शाफी शाफी दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे व्हाइट ईयर के केस में क्या हो रहा था, नीचे से ही कट कर दे रहा था, तो उस कंडीशन में ग्रेन बिल्कुल कोई भी ग्रेन्स पेनिकल के फिल नहीं हो रहे थे, ठीक है, वो पूरा ही कैसा था, शाफी था, ओके, ये कंप्लीट शाफी था व्हाइट ईयर के केस में। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ग्रेन फिलिंग हो रही है, पर ये जिस प्लांट पे, ये जिस ग्रेन पे फीड करेंगे उसका कंटेंट ये पूरा विड्रॉ कर ले रहेंगे, इसलिए सिर्फ कुछ ही ग्रेन हमें शाफी शाफी या एम्प्टी दिखाई देगा, ठीक है। एक पेनिकल के कुछ ग्रेन्स एम्प्टी होंगे, बाकी पूरे शाफी होंगे ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। इन्फेस्टेशन ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम ग्रेन एम्प्टी रहेंगे और कुछ फील्ड भी रहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये पंक्चर करते हैं उस पोर्शन में आपको एक ब्लैक होल दिखाई देगा, ठीक है, और क्योंकि वहां पे डैमेज होता है तो वहां पे बाद में फंगस इन्फेस्टेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्लैकिश टर्न हो जाता है। तो डैमेज इंडिविजुअल राइस ग्रेन बिकम व्हाइट एंड शैफी, ठीक है, और एक बगी ऑर्डर आती है, इसलिए इनके इन बग से कुछ सेंट कुछ केमिकल एमिट करते हैं जिसके कारण एक बहुत अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है, जिससे इनका नाम गंदी बग है, ठीक है। और पंक्चर जो है वो एक वॉटरी स्पॉट जैसा दिखाई देता है जो बाद में थोड़ा ब्लैकिश टर्न हो जाता है। तो क्योंकि ये भी फोटोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट, इसलिए लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें नेट से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज राइस हिस्पा, तो ये इम्पॉर्टेंट पेस्ट है, कभी कभी इसका इन्फेस्टेशन बहुत सीवियर होता है, हमेशा नहीं होता बट कभी कभी आपको बहुत सीवियर इन्फेस्टेशन दिखाई देगा इसका फील्ड पे, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज डिक्लेरिस्पा आर्मीजेरा, फैमिली क्रैसोमेलिडी, ऑर्डर कोलियोप्टेरा। तो इसमें एडल्ट और लार्वी दोनों स्टेज डैमेजिंग है, ठीक है, बोथ एडल्ट एंड लार्वी, जिसे हम ग्रब बोल सकते हैं, ठीक है, कोलिप्टेरा को है। तो दोनों क्या करते हैं, ऐसे स्क्रैप करते हैं क्लोरोफिल को और फीड करते हैं, ठीक है, और स्क्रैपिंग इनकी जनरली अगर आप देखें तो ये हमेशा पैरेलल रहती है, ऐसे स्क्रैप्स आपको ऐसे पैरेलल पैरेलल स्क्रैप्स दिखेंगे, जबकि आप लीफ फोल्डर वगैरह में देखें तो आपको ऐसे हमेशा पैरेलल स्क्रैप नहीं दिखेंगे, ऐसे पैरेलल रहेंगे बट वो लॉन्गिट्यूडनल स्क्रैप्स दिखेंगे, बट वो एकदम ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट पैरेलल जो ऐसे फीड है स्क्रैप्स आपको व्हाइटिश लाइनिंग जो पैरेलल दिखेंगी वो इनके ही केस में दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इनका भी अगर आप वो देखें, ये केस वॉर्म है, ठीक है, तो अगर आप इनके फीड को देखें तो ऐसे इरेगुलर आपको बहुत एक सिस्टमैटिक
पैरेलल स्ट्रीक्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ ये लीफ में ये पूरा ऐसे फेड अप दिख रहा है, क्लोरोफिल यहाँ पे पूरा फीड कर दिया गया है, फिर कुछ यहाँ पे लाइनिंग्स है, कुछ यहाँ पे लाइनिंग्स है, ठीक है। तो वो बहुत थोड़ी रैंडम लाइनिंग्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सेम लीफ फोल्डर में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारा ही फीड कर लिए रहते हैं, क्योंकि अंदर रह के बहुत सारा फीड कर रही होती, तो वो भी ऐसे बहुत ज्यादा ब्रॉड ब्रॉड आपको लाइंस दिखाई देंगे, ठीक है, कैसे भी रैंडम टाइप से। बट अगर आप इनको देखें, हिस्पा के केस में अगर आप देखें तो बहुत स्पेसिफिक आपको ऐसे पैरेलल स्ट्रीक दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइज में कंपैरेटिवली काफी छोटे होते हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक पैरेलल पैरेलल स्ट्रीक्स दिखेंगे। बहुत ज्यादा ऐसे पूरा लीफ को स्क्रैप करके खाली और ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसे पैरेलल पैरेलल बहुत सारे स्ट्रीक्स दिखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल स्ट्रीक्स जो है वो आपको इसी कंडीशन में दिखाई देगा, वाइट पैरेलल स्ट्रीक अलोंग द लीफ एक्सिस इन राइज, ठीक है। तो ये लैडर जैसे दिखाई देता है, ठीक है, सीढ़ी जैसे इसका अपीयरेंस होता है। अगर आप जो वुडन लैडर बनाए रहते हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये कुछ उस टाइप का अपीयरेंस देखे, दो पैरेलल पैरेलल क्योंकि इनका फीडिंग रहता है, तो वो लैडर लाइक अपीयरेंस देता है, ठीक है। ग्रब्स भी क्या करते हैं, माइन लीव्स के अंदर माइनिंग करके घुस जाते हैं और उसको क्लोरोफिल कंटेंट फीड कर लेते हैं, ठीक है। जनरली डैमेज जो है वो नर्सरी स्टेज से दिखाई देता है। तो अगर जब नर्सरी स्टेज में अगर इसका इन्फेस्टेशन हो गया है, ठीक है, तो जब इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इन्फेस्टेड लीव्स को प्लग करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि जो लार्वी रहती है वो अंदर पे ही रह के फीड कर रही होती, अंदर पे माइंस करके लीफ के अंदर घुस के एपिडर्मल लेयर के अंदर फीड कर रही होती है, तो उसको कट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। और जो भी बीटल्स रहता है उसको भी नर्सरी स्टेज में ही अगर आपको बीटल्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें कलेक्ट करके किल कर देना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज राइस हिस्पा, इसमें आपको ये पैरेलल स्ट्रीक याद रखना है, ठीक है, इसका डैमेजिंग सिम्टम। नेक्स्ट इज राइस थ्रिप्स। राइस थ्रिप्स ये एक इम्पॉर्टेंट नर्सरी पेस्ट है, ठीक है। इसका इन्फेस्टेशन सिर्फ नर्सरी स्टेज में होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इज सेनोचेटोथ्रिप्स बायफॉर्मस, ठीक है। फैमिली इज स्ट्रिपिडी और द थायसिनोप्टेरा। तो अगर आप देखिए तो ये भी क्या करते हैं, क्योंकि इनका माउथ पार्ट, थ्रिप्स के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, सकिंग, कोई कुछ और ऐड करना चाहेंगे, कैसे होते हैं, रेस्टिंग एंड सकिंग, रेस्टिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो मैंडिबल्स हैं इनमें राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है, ठीक है, तो लेफ्ट मैंडिबल से ये उसको लीव्स को ऐसे स्क्रैप करके जो जूस ऊज हो रहा है, जो सेल सैप ऊज हो रहा है, उसको फीड करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण हमें इस तरीके से डैमेज सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रीक स्ट्रीक्स दिखाई देंगे लीव्स पे, और सीवियर कंडीशन पे जो है लीव्स मार्जिनल साइड से रोल हो जाते हैं, ठीक है। नेम फॉर एडल्ट, दोनों डैमेजिंग स्टेज है, दोनों क्या करते हैं, लैसरेट करते हैं, स्क्रैप करते हैं लीफ टिश्यूज को और सक करते हैं जो भी ऊजिंग सैप है उसको। और अगर बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होता है तो सीडलिंग क्या हो जाती है, मर जाती है, ठीक है, सीडलिंग डाई हो जाती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट नर्सरी पेस्ट है, क्योंकि नर्सरी स्टेज में प्लांट बहुत छोटा होता है, तो अगर इसका इन्फेस्टेशन बहुत सीवियर हो गया तो बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन में जनरली ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट नर्सरी पेस्ट है, तो उसका आंसर राइस थ्रिप्स रहेगा, ठीक है। तो उसका भी कुछ खास जनरली केमिकल स्प्रे से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, एज सच बिहेवियर ओरिएंटेड कोई खास मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं है जिसे क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट इज पेस्ट ऑफ वीट, ठीक है। तो ये थे राइस के कुछ इम्पोर्टेंट पेस्ट जो हमें देखने थे। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं वीट के पेस्ट। ओके, तो वीट के पेस्ट में सबसे पहले देखते हैं टर्माइट्स, ठीक है। तो टर्माइट्स पर्टिकुलरली ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ता हो, तो उस कंडीशन वहाँ जनरली टर्माइट्स का अटैक होता है, ठीक है।
दो स्पीशीज दो जीनस ऑफ टर्माइट्स अटैक करते हैं. फर्स्ट इज माइक्रोटर्मस ओबेसाई एंड अनदर वन इज ओडोंटोटर्मस ओबेसस. ओके, तो ये दो जीनस है जिनका अटैक होता है. फैमिली टर्मिटिडी. ऑर्डर, क्योंकि अब आइसोप्लेरा में पहले थे, अभी कॉकरोच के ऑर्डर में इंक्लूड हो गए हैं, तो ब्लैटोडिया और आइसोप्टेरा को ब्लैटोडिया के अंदर एज अ इंफ्रा ऑर्डर रखा गया है. ठीक है, तो टर्माइट्स में, क्योंकि ये कॉलोनी सोशल इंसेक्ट्स हैं, तो इनमें जनरली जो वर्कर्स होते हैं और सोल्जर्स होते हैं वही डैमेजिंग स्टेज होते हैं. ठीक है मैम. हाँ, जो इसका जीनस है वो दोनों जीनस वीट पे अटैक करता है क्या? हाँ, दोनों जीनस अटैक करता है. तो ये दोनों जीनस आपको याद रखने हैं. तो जो वर्कर्स और सोल्जर्स होते हैं वो जल्दी फीड कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं. ठीक है, तो ये ज्यादातर मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है, ये प्लांट्स को कट करते हैं और इनके रूट्स को इन्फेस्ट करते हैं. तो जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर लेवल प्रॉपर नहीं रहता, जब वो ड्रॉट कंडीशन ड्रॉट प्रोन एरिया रहता है वहाँ पे इन्फेस्टेशन ज्यादा होता है. ठीक है, तो क्योंकि रूट डैमेज कर देते हैं इन लोग प्लांट्स का, तो क्या हो जाता है, प्लांट्स पूरा ड्राई हो जाता है. तो आपको ऐसे ड्राई प्लांट्स दिखाई देगा फील्ड में. तो इसके मैनेजमेंट के लिए ये है कि फ्रिक्वेंट जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन फॉलो करना चाहिए, इरिगेशन प्रॉपर करना चाहिए. ठीक है, ताकि फील्ड में प्रॉपर मॉइस्चर रहे, और इरिगेटेड जनरली जो बहुत ज़्यादा इरिगेटेड फील्ड रहती है उनमें अटैक कम रहता है. ठीक है, और क्लीन कल्टीवेशन होना चाहिए, जो भी डेब्रीज है वेस्ट क्रॉप के वो रिमूव कर देना चाहिए, स्टबल्स वगैरह, क्योंकि ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबल्स वगैरह है ये उनके लिए फेवरेबल होता है. ठीक है, क्योंकि ये तो कोई भी सेलुलोज वाले सब्सटेंस पर फीड करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है कि अगर आपको बहुत सारा टर्मिटोरियम अपने फील्ड में दिखाई दे रहा है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें. तो टर्मिटोरियम डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, आप अगर आप इसका क्वीन को किल कर दें. ठीक है, अगर इसका टर्मिटोरियम है तो जनरली क्या होता है, जितना ऊपर सॉइल के जितना ऊपर रहता है उतना ही ये नीचे भी होता है. ठीक है, नीचे भी जनरली उतने लेवल तक ये नीचे तक इनका टर्मिटोरियम फैला रहता है. जनरली जो सेंटर पोर्शन होता है वहाँ पे क्वीन रहती है, तो क्वीन को निकाल के अगर आप किल कर दें, एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होगी, अगर वो किल हो जाएगी क्योंकि वही मेन है और वही पूरी कॉलोनी को कंट्रोल कर रही होती है, तो और वही एग ले कर रही होती है, तो अगर आप उस क्वीन को निकाल के किल कर देंगे तो वो जो टर्मिटोरियम है मतलब ये जो कॉलोनी है वो कोलैप्स हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है, सिर्फ क्वीन को किल कर दिया जाता है. ठीक है, तो टर्माइट्स में इतना ही. नेक्स्ट इज और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेम बॉर्डर ऑफ वीट, दैट इज सिसेमिया इन्फ्लुएंस. ये पॉलीफेगा से ये कई क्रॉस का इन्फेस्टेशन और कई पोलिन जो अपने ग्रेमिनी फैमिली की ग्रेमिनेशियस फैमिली के और क्रॉप्स है उसमें होता है. ठीक है, तो फैमिली इज नॉक्टिडी. ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. तो अगर आप इसकी मौत को देखें तो इनका फोर विंग जनरली थोड़ा ब्राउनिश रहता है, जिसमें एक थोड़ी ज़्यादा डार्क ब्राउनिश स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं. ठीक है, और हाइंड विंग थोड़ा ऑफ वाइट टाइप का रहता है. लार्वी डैमेजिंग स्टेज, और लार्वी का जो डैमेज है वो कुछ सेम रहता है, कैसे येलो स्टेम बोरर की जो लार्वी है वैसे ही. तो ये भी क्या करते हैं, टिलर्स जब इनका अटैक टिलरिंग स्टेज में होता है तो ये भी जो लार्वी है वो क्या करती है, टिलर्स के बेस में कट करके एंटर कर जाती है और फीड करते रहती है. तो ऊपर के पोर्शन क्योंकि कट कर देती है नीचे से, तो ऊपर के पोर्शन को अगेन फूड सप्लाई नहीं हो पाता, तो ऊपर का पार्ट सूख जाता है. तो टिलरिंग स्टेज में क्या सिम्टम बनेगा, डेड हार्ट. ठीक है, डेड हार्ट. सिमिलरली जब पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज में अगर इन्फेस्टेशन हुआ तो ग्रेन्स जो होंगे वो शाफी रह जाएंगे और उनमें ग्रेन्स में फिलिंग नहीं हो पाती. ठीक है, तो वो शाफी कंडीशन जो है उसको अपन बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन स्टेज में अगर अटैक हुआ तो वाइट ईयर. तो ये जो डैमेज सिम्टम है वो इसमें भी हमें दिखाई देता है. ठीक है, अगर हम एग लेइंग देखें तो ये कहा, ये लीफ और लीफ शीथ
जहाँ से ये एक टेलर है और टेलर से यहाँ से अगर एक लीफ निकली है तो लीफ और लीफ शीट जो टेलर को बेसल पोर्शन लीफ का जो टेलर को ऐसे कवर किया रहता है दैट वी कॉल एज लीफ शीट. तो लीफ और लीफ शीट के अंदर पे ये ऐसे रोज में अपने एग्स ले करते हैं. ठीक है, तो सेम फॉर्मेशन ऑफ डेड हार्ट हमें दिखाई देता है. ठीक है, जिसमें सेंट्रल शूट क्या हो जाता है, किल हो जाता है. ठीक है, और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में आपको वाइट हेयर भी दिखाई देगा. ठीक है, तो अगर इसका भी अगर हम मैनेजमेंट देखें तो इसमें हम फेरोमोन ट्रैप्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, और ये मैं आपको एक बार कंफर्म करके बताऊंगी. ठीक है, ट्राइकोग्रामा आप यूज कर सकते हैं, पर ये जेपोनिकम है कि चिलोनेस होगा ये मैं आपको कल एक बार कंफर्म कर दूंगी. ठीक है, फिर बाकी और कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है. नेक्स्ट इज वीट एफिड. ठीक है, वीट एफिड तो इसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोसाइफम मिसकैंथी. ठीक है, फैमिली एफिड है तो एफिडाइडी. ठीक है, ऑर्डर हेमिप्टेरा. हेमिप्टेरा में अगर हम सब ऑर्डर की बात करें तो इट इज होमोप्टेरा. ठीक है, तो ये ग्रीनिश कलर के एफिड होते हैं जो कि जो भी टेंडर लीव्स पे जो न्यूली इमर्ज लीव्स है और पेनिकल जब न्यूली पेनिकल इनिशिएशन होता है पेनिकल में स्टार्टिंग में ग्रीन फीलिंग स्टार्ट होती है तो पेनिकल्स में हमें बहुत सारे एक साथ दिखाई देते हैं. ठीक है, तो एफिड एफिड क्या करते हैं, इनका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है. तो ये सेल सैप सक कर रहे होते हैं. ठीक है, टेंडर पार्ट से जो सॉफ्ट पार्ट है उनसे, क्योंकि ये खुद ही बहुत सॉफ्ट डेलिकेट टाइप के होते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड चीजों पे नहीं फीड कर पाते. तो बहुत जो सॉफ्ट और न्यू न्यू लीव्स हैं और जो न्यू न्यू पेनिकल्स इमर्ज हुआ है हार्डनिंग के पहले तो जो ग्रेन फिलिंग वगैरह हो रही है तो वो वहां पे पंचर करके सेल्स आप सक कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसे क्योंकि ग्रेन्स पे ये बहुत सारे एक अक्यूमुलेट होकर फीड करते हैं तो प्रॉपर ग्रेन फिलिंग नहीं हो पाती और सीवियर कंडीशन में वो पेनिकल क्या होगा, ड्राई हो जाएगा. ठीक है, जो ईयर हेड है वो ड्राई हो जाएगा. जनरली कोल्ड वेदर और क्लाउडी वेदर, ठीक है, क्लाउडी वेदर जो है इनका फेवरेबल कंडीशन है तो ये इसे जनरली ऐसे फेवरेबल एनवायरनमेंट में ये ज्यादा इजिली बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, इनका इन्फेस्टेशन सीवियर होता है तो आपको उसका नाम याद रखना है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज गुजिया वीवर. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है वीट का. तो इसका साइंटिफिक नेम है टेनिमेकस इंडिकस. फैमिली वीवर है तो कर्क्यूलैनिडी. ऑर्डर कोलियोप्टेरा. ठीक है, तो ये इस पेस्ट का नाम आपको याद रखना है. ठीक है, इसमें जनरली एडल्ट ही डैमेजिंग स्टेज होता है. जो एडल्ट होता है वही क्या होता है, लीव्स को कट करके या जो इनिशियल जनरली इसका इन्फेस्टेशन क्रॉप के इनिशियल स्टेज में होता है तो ये क्या करते हैं, कई बार सीडलिंग्स को कट करके कट कर देते हैं या फिर और लीव्स को कट करके फिर उस पर फीड करते हैं. तो एडल्ट ही डैमेजिंग स्टेज है. ठीक है, तो एडल्ट फीड ऑन लीव्स एंड टेंडर शूट. एडल्ट कट द सीडलिंग एट द ग्राउंड लेवल. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं. ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ खास कंट्रोल मेजर नहीं है जो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो. तो आज के वीट और राइस के पेस्ट में इतना ही. ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है पर आज मैंने इसमें ज्यादा इंक्लूड नहीं हुआ है और हम कल और इस टॉपिक के भी कल क्वेश्चन कुछ और हम कल बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक का सबको क्लियर है? Yes, ma'am. क्रॉप पेस्ट में क्योंकि पेस्ट बहुत सारे हैं और अपन को जल्दी थोड़ा कंप्लीट करना होगा तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलेंगे. आपको कहीं भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा अगर किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप या पेस्ट को टाइम देंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अपन के पास उतना तो टाइम नहीं रहेगा तो अपन थोड़ा इससे ही देखते चलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस. येलो स्टेमबोरा. येलो स्टेमबोरा. साइंटिफिक नेम. इसका साइंटिफिक नेम मोनोफेगा इंसर्टुलस. कर्मोफेगा इंसर्टुलस.
सिर को फेंका इंसर्टुलर नाउ डेड हार्ट एंड वाइट ईयर इन राइस इज कॉज्ड बाय ए डी डी ऑप्शन डी सिर को फेंका इंसर्टुलर देन सिल्वर शूट इन पैडी इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ तो जनरली आपको इसमें जो पर्टिकुलर सिम्टम्स वाले चीजें हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है तो वही ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा जाता है जो कि याद रखना है. ठीक है. व्हाइट पैरेलल स्ट्रीक अलोंग द लीफ एक्सिस एंड राइस लीव्स इज ड्यू टू पैरेलल स्ट्रीक आपको हिस्पा के ही केस में दिखेगा तो ऑप्शन क्या होगा क्योंकि स्क्रैपिंग करके खाने वाला काम केस वॉर्म भी करेगा लीफ होल्डर भी करेगा बट पैरेलल स्ट्रीक अगर बोल रहा है देन इट इज रिलेटेड टू राइस हिस्पा दैट इज डिक्लेडिस्पा आर्मिजेरा. ठीक है. Next, cut leaf bits floating in water is characteristic symptom of. अगर आपको लीफ के छोटे छोटे टुकड़े वाटर में फ्लोट करते हुए दिखना मतलब केस वॉर्म केस वॉर्म का अटैक है. ठीक है. तो वो क्या करता है क्योंकि उसको केस बनाना रहता है तो बहुत सारे लीव्स कट करके वो केस बनाता है तो लीफ बिट्स अगर हमको वाटर में फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं दैट मीन्स इट इंडिकेट इन्फेस्टेशन ऑफ केस वॉर्म. ओके. तो इसमें और क्वेश्चन है जो मैं कल की क्लास में इंक्लूड करूंगी. ठीक है. तो आज की क्लास में कुछ डाउट है किसी को? वीट में आर्मी वॉर्म भी आता है. वीट में आर्मी वॉर्म हाँ आपको देख सकता है कुछ बुक्स में पर हमेशा ये जैसे इन्फेस्टेशन हो ऐसा नहीं है. राइस के केस में भी रहता है. राइस में भी एक आर्मी वॉर्म आता है माइथिमना सेपरेटा बट ये आपको कहीं कहीं दिखेगा मतलब हर जगह इसका अटैक नहीं होता. ठीक है. राइस के पेस्ट में कुछ और है जो मतलब आपको लिस्टिंग में हमेशा दिखाई देंगे. ठीक है. बट जब हम मेन मेन कुछ पेस्ट पढ़ते हैं तो हर बार पूरे पूरे पेस्ट जनरली नहीं देते जो मेन मेन है वही देख लेते हैं. ठीक है. जी मैम. तो आज की क्लास में आप क्लोज करें. जी मैम. थैंक यू. जी मैम. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.